नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तितली और आपका स्वागत है मेरे चैनल ज्ञानी तितली में। माँ यानी शक्ति का स्वरूप जो स्मरण मात्र से ही अपने बच्चों के सारे दुख हर लेती है। भादवा माता एक ऐसी ही माँ का चमत्कारी आरोग्य धाम है जो मध्य प्रदेश के नीमच जिले से 18 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है, जो अपने चमत्कारों के कारण विश्व में मालवा की वैष्णो देवी के नाम से विख्यात है। यहाँ पर दूर दूर से लकवा, नेत्रहीनता और कोढ़ से ग्रसित रोगी आते हैं और अपने रोगों से मुक्त होकर जाते हैं। मंदिर का इतिहास जानने वाले कहते हैं कि ये मंदिर 650 वर्ष पुराना है और इसमें स्थित मूर्ति का पता रूपा नामक एक भील को माता ने स्वयं सपने में दर्शन देकर बताया था, तभी से ये मूर्ति यहाँ स्थापित है। इसलिए ये भील समुदाय की कुल देवी के रूप में पूजी जाती है। यहाँ वर्षों से भील पुजारी ही माता की सेवा करते आ रहे हैं। भादवा माता की बहुत ही सुंदर आकर्षक मूर्ति यहाँ सुंदर चांदी के सिंहासन पर विराजमान है और इनके सिंहासन के पास एक अखंड ज्योति सैकड़ों वर्षों से निरंतर प्रज्वलित है जो कभी भी नहीं बुझती। भादवा माता के साथ यहाँ माता के ही अन्य 9 रूप ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही, ऐंद्री, शिवदूती और चामुंडा भी विराजमान है। माँ के मंदिर के पास ही एक चमत्कारी बावड़ी है जिसके बारे में मान्यता है कि यह माता ने स्वयं अपने भक्तों के दुखों के निवारण के लिए प्रकट की थी। कहते हैं इस बावड़ी का जल अमृत के समान है और चर्म रोगों पर यह दवा की भांति काम करता है, इसलिए इसे अमृत बावड़ी भी कहा जाता है। इसके जल से स्नान करने से असाध्य चर्म रोग भी ठीक हो जाते हैं। लकवाग्रस्त व नेत्र रोगी यहाँ माँ के दरबार में स्थित आंगन में ही रात्रि विश्राम करते हैं, क्योंकि माना जाता है कि प्रतिदिन मध्य रात्रि के किसी भी प्रहर में माता रानी अपने पूरे लाव लश्कर के साथ अपने गर्भगृह से निकलकर इस आंगन में विचरण करती है और जिस रोगी पर उनकी दृष्टि या चरण पड़ जाए तो वह रोग मुक्त हो जाता है। इसका अनुभव वहां रात्रि बिताने वाले भक्तों को भी होता है। रात्रि में यहां माता की पायल के घुंघरुओं की आवाज सुनाई देती है। जब किसी भक्त की मन्नत पूरी हो जाती है और वे निरोगी होकर लौटते हैं तो वे भेंट स्वरूप माता को चांदी व सोने के हाथ और नेत्र चढ़ाकर जाते हैं और साथ ही माता के आंगन में जीवित मुर्गे और बकरे भी छोड़ देते हैं जो यहाँ स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं और प्रतिदिन इंसानों के साथ माता की आरती में सम्मिलित होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। प्रतिदिन 20 से 30 हजार लोग दूर दूर से माता के दर्शन करने आते हैं। माता के दरबार में अमीर गरीब, राजा रंक, ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं होता। माता सभी पर समान दया और प्रेम रखती है, किंतु वर्तमान में कोरोना महामारी के चलते इन गुप्त नवरात्रियों में भी माता का मंदिर भक्तों के बिना सूना पड़ा है, लेकिन उम्मीद है कि यह ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा। माता अवश्य ही हमें इस संकट से भी उबार लेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ मैं तितली आपसे आज्ञा लेती हूँ। धन्यवाद।